रूट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डीएक्स। तो देखिए इसमें तो कोई फॉर्मूला इसका है नहीं, इसको किसी फॉर्मूले में बदलते हैं, है, इस फंक्शन को किसी ऐसे फॉर्म में ले चलते हैं जिस पर कि फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे रूट है ये कॉम्प्लिकेट, मैंने यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड टर्म है ना, इसे पढ़ाना चालू करते हैं, है? तो रूट ऑफ कॉस एक्स क्या करते हैं, टी मान लेते हैं, यहाँ से स्क्वायर बोथ साइड, तो टी स्क्वायर इसको क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, टू टी डी टी, डी टी बाई डी एक्स इसको हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और फिर यहाँ से टू टी माइनस टू टी डी टी इसको हो जाएगा साइन ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये वैल्यू इसमें डाल कर दीजिए तो आई इसको इसी तरह हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स के ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि साइन एक्स डी एक्स ही हमारा टी से हटेगा लेकिन ऊपर साइन नहीं है तो ऊपर हम साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स, ना साइन एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स तो हमारे पास ऑलरेडी है और जब ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया टू बैलेंस दिस, ना तो साइन एक्स ऑलरेडी था मल्टीप्लाई करिए साइन एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ना आप देखिए साइन एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस हो रहा है, साइन एक्स डी एक्स आपका जो है किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये तो टी से रिप्लेस हो जाएगा, इसको आपने टी माना है तो टी लिख लीजिए, ये हो गया आपका टी, और ये किससे साइन एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस होगा, माइनस टू टी डी टी, माइनस टू टी डी टी रिप्लेस हो गया। अब ये साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स किससे रिप्लेस होगा, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे कॉस एक्स की वैल्यू क्या टी है, टी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या टी स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस टू टी टू टी, माइनस टू टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपॉन ये वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और फिर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर टी कॉस एक्स की प्लेस पर टी स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, जब टी स्क्वायर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होल स्क्वायर, टी स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस टू टी स्क्वायर अपॉन वन माइनस टी रेज टू पावर फोर डी, ये चीज हो गया। आप जो है इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा टू बाहर कर लीजिए टी स्क्वायर अपॉन टी रेज टू पावर फोर माइनस वन हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए इसमें क्या करेंगे बताओ, इसको आप फैक्टर कर लीजिए तो फैक्टर करिए तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और अपान टी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, है ना, ये वैल्यू हो जाएगी आपके टी स्क्वायर अपान टी स्क्वायर प्लस वन और टी स्क्वायर माइनस वन, तो टी स्क्वायर अपान टी रेज और फोर माइनस वन इक्वल टू बी अपान टी स्क्वायर प्लस वन हो गया प्लस बी अपान टी स्क्वायर माइनस वन हो गया, है ना, ठीक है। तो अब चलो जैसे न्यूमेरेटर दे रहे थे दोनों में इवन और है तो हम टी स्क्वायर को वाई मानेंगे तब फिर आई जीरो यहाँ वाई मान रहेगा फिर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको हटा देना, ठीक ना, तो क्योंकि न्यूमेरेटर में भी इवन और है और टी स्क्वायर में और डिनोमिनेटर में भी तो वाई ले लेते हैं तो वाई अपॉन y प्लस वन हो गया और y माइनस वन हो गया, ठीक हो जाएगा ए अपॉन वाई प्लस वन और प्लस बी अपॉन वाई, है ना, ये हो जाएगा y वाई छोड़ दो ए वाई माइनस वन हो जाएगा प्लस बी वाई प्लस वन, है ना, तो y छोड़ दो जाएगा ए वाई ए प्लस बी इंटू वाई और प्लस माइनस ए प्लस, ए प्लस बी जो है आपका वन हो गया और माइनस ए प्लस बी जीरो, दोनों वाइड करें तो टू बी छोड़ के वन हो जाएगा
वैल्यू ला किसमें रख देते हैं, वाई अपॉन वाई प्लस वन और वाई माइनस वन इज इक्वल टू ये देगा वन बाई टू वन अपॉन वाई प्लस वन वन बाई टू और वन अपॉन वाई माइनस वन ना। अब वाई वैल्यू फाइव कर दीजिए तो वाई वैल्यू कितना मतलब टी स्क्वायर माना था टी स्क्वायर अपॉन और टी स्क्वायर प्लस वन और फिर टी स्क्वायर माइनस वन इसको टू वन बाई टू पहले लेंगे तो ये देगा वाई वन अपॉन वाई प्लस वन प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन ठीक है। तो ये जगह टी स्क्वायर अपॉन टी रेट फॉर फोर माइनस वन ये जगह वन बाई टू और वन बाई टू ये वाई प्लस वन और वाई की वैल्यू हमने वाई कट दिया तो वाई वैल्यू कितना वाई वैल्यू आपने टी स्क्वायर प्लस वन दिया तो टी स्क्वायर प्लस वन हो गया प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन ठीक है। अब देखिए सब जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया है। अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल तो चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन टी रेट फॉर फोर माइनस वन डी टी इज इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर वन है ना तो यह देगा वन बाई टू टेन इनवर्स टी ये हो जाएगा टेन इनवर्स नहीं ये तो टेन इनवर्स टी फॉर्मूला ये जो है लॉग का फॉर्मूला वन बाई टू ए और लॉग ऑफ मॉड टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन और प्लस सी ठीक है ये हो जाएगा वन बाई टू टेन इनवर्स टी टी वैल्यू बाई करिए तो टी वैल्यू कितना माना आपने रूट कॉस एक्स माना तो रूट ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा ना फिर प्लस वन बाई टू मॉड लॉग लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ मॉड रूट कॉस एक्स रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स और प्लस वन और प्लस सी ठीक है। ये आंसर हो गया आ गया देखिए बैठो यहाँ नहीं ना चलिए
बिल्कुल लॉग से क्योंकि लॉग की प्रॉब्लम है जो वो पहले वाला टूटा हुआ था।